Okay, guys, so this is the first celebrity special episode of Lockdown Radio, and we have EPR with us. Thank you, man. Thank you for joining in, man. I'm good, man. How are it's you? It's my pleasure. Oh, man. I'm good, man. I'm good. It's absolutely a pleasure to be on your show with you. And this is the first time where I react to some songs that you're going to play. That's something I'm looking forward to. Yeah, that's gonna be fun. Like, so हमने कैसा प्लान करा, एक तो EPR हम थोड़ा हिंदी बोलेंगे क्योंकि मेरी ऑडियंस बहुत सारी हिंदी, ज्यादा हिंदी स्पीकिंग है, एंड मैं भी ट्राई करूंगा। अरे आपकी हिंदी मैंने सुनी, आपकी तो लाइक कुछ नेक्स्ट लेवल पे, और मुझे नहीं समझ आता कि ऐसा कैसे है। थोड़ा ये बताओ पहले आप, लाइक हाउ डू यू हैव कंट्रोल ऑन लाइक टू थ्री लैंग्वेजेस सो स्ट्रॉन्ग। मैं तो फलाप बड़ा हूँ कलकत्ता में, तो मेरी हिंदी बहुत ही वीक है। ओके, लेट मी बी ऑनेस्ट, कभी कभी मुंह से बहुत गलत ग्रामर निकल जाती है, लेकिन फिर भी आई ट्राई। लेकिन मेरी राइटिंग वाली हिंदी इज मच बेटर, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई की है। हाँ। मैंने दो साल लाइफ के एकदम पूरा दिया है उसको, हिंदी को। राइट, तो बस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हिंदी हिंदी को हिंदी से बंगाली भी आती है, तमिल भी आती है, तो इतनी सारी लैंग्वेजेस जब एक साथ में, अगर एक आदमी जब थिंक करता है तो कभी कभी इधर उधर चला जाता है। राइट, आई लाइक टू मेक इट। Actually, you know what? हिंदी वाला क्वेश्चन आया इसलिए था because आपके गानों में suddenly एक हिंदी का वर्ड आएगा जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा, तब ये फील होता है यार कि राइटर जो है he can think like this, कि एक हिंदी का वर्ड आया इन द फुल सेंटेंस जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन पूछा। हाँ, बेसिकली यहाँ पे जो मेरी हिंदी है बहुत पुस्तकीय हिंदी है, मतलब बहुत बुकिश हिंदी है। तो और मेरे साथ में हिंदी प्रैक्टिस करने वाला भी कोई है नहीं, क्योंकि बेसिकली मेरे जो भी दोस्त है वो बंगाली में बात करते हैं या फिर इंग्लिश में बात करते हैं, या फिर मैं घर में जब रहता हूँ तो तमिल में बात करता हूँ। तो हिंदी बोलने वाला बहुत ही कम है यहाँ पे कलकत्ता में, लेकिन फिर भी जो मेरी हिंदी है वो मैं हिप हॉप, देसी हिप हॉप से सुनता हूँ, आप सबको देखता हूँ, और पुस्तक बहुत पढ़ता हूँ, किताबें बहुत पढ़ता हूँ, तो वहां से मेरी हिंदी आ जाती है जो भी है। हाँ। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन रगे हिंदुस्तान। Thank you so much, bro. Yes. Thank you so much. Like, what an amazing song. You know what? आप लोगों ने आपने रिएक्शन चैनल्स को थोड़ा सा डरा दिया, you know what? क्योंकि ऐसा लगता है कि हम EPR के गानों के ऊपर रिएक्शन बनाएंगे और हम जो अभी फील मेकिंग अ फूल ऑफ आवरसेल्फ, लाइक कि क्या कुछ हमको समझ नहीं आता, लाइक व्हाई डू यू डू दिस। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली मुझे बहुत लाइक मुझे लगता है कि रिएक्शन चैनल्स जो भी हैं वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं इनटू प्रमोटिंग हिप हॉप। पहले क्या होता था कि जब, क्योंकि मैं हिप हॉप, मतलब हिप हॉप से पहले रॉक या मेटल सीन में था, और तब क्या होता था, रिएक्शन चैनल्स तो थे नहीं, सिर्फ बचे कुचे जो, मतलब मीडिया आउटलेट्स बहुत ही कम थे जहाँ पे किसी आर्टिस्ट का रिव्यू होता था या फिर किसी आर्टिस्ट के एल्बम पर रिव्यू किया जाता था। रिएक्शन चैनल्स आने के बाद इतने सारे नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, और आपके मदद से, मतलब आप सब लोग के मदद से ये कम्युनिटी अपलिफ्ट हो रहा है। तो बिग शाउट आउट टू ऑल द रिएक्शन आर्टिस्ट एंड आल्सो यू मैन, बिकॉज मैं जब पहले, मैंने बहुत सारे वीडियोज आपके देखे हुए हैं, लाइक योर रिएक्शंस, मैं अपने रिएक्शंस भी देखता हूँ, आपके दूसरे रिएक्शंस भी देखता हूँ। रियली प्राउड ऑफ यू ब्रदर, रियली प्राउड ऑफ यू, व्हेयरएवर यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम एंड राइट नाउ एट अ वेरी गुड प्लेस यू आर। Thank you, man. मैं रास्ता मैन सुन रहा था और उसमें लाइन थी, आया नेगेटिविटी मिटाने रगे हिंदुस्तान, और ये 2019 का सॉन्ग है, इसमें लाइन थी रगे, यू यूज दिस वर्ड। तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा था क्या हमेशा से, दैट दिस इज अ वेरी कूल वर्ड, आई नीड टू बिल्ड समथिंग अराउंड इट, रगे हिंदुस्तान। हाँ, जब मैंने हसल में लिखा था रास्ता मैन मैंने जब लिखा था, तब मैंने सोच लिया था कि मेरे को एक रेगे एल्बम पूरा बनाना है। हाँ। इसका नाम होगा रेगे हिंदुस्तान। लाइक अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ पीपल इन DHH अभी, उनको मैंने ठीक साइड से एक्सपोजर नहीं मिला रेगे म्यूजिक से, सो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि यार ये क्या भाषा बोल रहा है, एंड प्लस मेरी भाषा वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज मैं थोड़ा कबीर से इंस्पायर होकर बहुत सारे लैंग्वेज से इधर भोजपुरी भाषा में बोलता हूँ, तो मिक्सचर ऑफ खिचड़ी ऑफ सो मेनी भाषा। बट या, तो मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि वो जो रेगे, मुझे रेगे बहुत पसंद है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि यार वो साउंड मैं DHH में इनकॉर्पोरेट कर सकूँ, क्योंकि मुझे वो साउंड लाना है और उसके साथ इंडियन एलिमेंट्स भी फ्यूज करनी है मुझे। yes. तो मैं वो ट्राई कर रहा हूँ। yes. बट या, वो पहला, वो जो वर्ड मैंने जब सोचा था हसल में, तभी मैंने तय कर लिया था कि यार मुझे वो रेगे हिंदुस्तान के ऊपर एक एल्बम निकालनी है। तो
हाँ वो अभी निकल रहा है, 6 गाने निकल चुके हैं। यस, आपने जो एक चीज बोली ना कि मुझे रेगे एलिमेंट भी लाना है और उसमें इंडियन एलिमेंट भी इंक्लूड करना है, तो यही मैंने भी नोटिस करा था, यही मैंने नोटिस करा, लाइक अभी जो रेगे हिंदुस्तान सॉन्ग आया उसको आपने इतना कमर्शियल वाइब दिया है ना कि आई थिंक इससे उसकी जो व्यूअर्स है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, लाइक कि इसमें लाइक एक जॉनर का नहीं है, कोई भी अगर ग्रूवी सॉन्ग सुनना चाहेगा, कोई अगर प्रोटेस्ट, एक तो सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है कि आप प्रोटेस्ट पोएट्री को इस टाइप की म्यूजिक के ऊपर बड़े इजीली कर देते हो। सर वो गाना है, वो गाना है भी, उसकी इंटेंसिटी भी है, बट इट्स नॉट एग्रेसिव एज इट वुड हैव बीन, लाइक हाउ डू यू डू दैट मैन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को। मैं बेसिकली मैं बहुत सारे म्यूजिकल जॉनर्स सुनता हूँ, मैं मेरे प्लेलिस्ट में अगर आप देखोगे तो पूरे केपॉप के गाने भरती हैं। तो बेसिकली मैं सिर्फ हर जगह से इन्फ्लुएंसेस लेता हूँ, और क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक तरीके का अगर एक जॉनर का हिप हॉप अगर सुनते सुनते ना आपका कान पक जाता है और आप आपके म्यूजिकल जो आइडियाज होते हैं ना तो वही लाइन नहीं होती है। तो बेसिकली आई लिसन टू ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक, और मेरा वन ऑफ माय फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स इज हारमोनियम। अगर आपको मुझे वो वाइब बहुत पसंद है हारमोनियम की, तो हारमोनियम बोलो या फिर अकॉर्डियन बोलो, इफ यू सी रास्ता मैन में भी एक हारमोनियम लाइन था, एंड आई कैरी फॉरवर्ड टू इवन रेगे हिंदुस्तान में भी हारमोनियम लाइन है। बेसिकली आई एम, और मैं तबला हारमोनियम एंड लॉट ऑफ इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी काम करना चाहूंगा इन द फ्यूचर। इंडियन एलिमेंट इज ऑल्सो देयर, जो द बेस्ट पार्ट इज कि यू आर नॉट जस्ट कंस्ट्रेन टू वन जॉनर, एक जॉनर नहीं है, आपके आपके जितने भी इन्फ्लुएंसेस हैं वो आपके एक गाने में वो सारे इन्फ्लुएंसेस दिख जाते हैं, लाइक यू हैव द रेगे एलिमेंट, समटाइम्स यू हैव अ रॉक का एलिमेंट आल्सो, एंड लाइक वो बहुत ही सही, मेरे को वो बहुत ही कूल लगता है एक्चुअली, लाइक थैंक यू सो मच या रियली मैन, बिकॉज जब तक डिफरेंट जॉनर्स नहीं आएंगे तब तक एक फ्रेश म्यूजिक कैसे बनेगा, इफ यू जस्ट स्टिक टू वन, राइट, दैट इज ऑल्सो वे ऑफ लुकिंग आई कैन से, राइट। Absolutely, because हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी जॉनर का अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम ये जान सकते हैं कि वो जॉनर भी किसी बहुत सारे जॉनर से इंस्पायर्ड होके निकला है। मतलब हिप हॉप को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये हिप हॉप सडनली नहीं आया है, उसके उसके इंस्पिरेशन में रॉक है, ब्लूज है, रिदम एंड ब्लूज है, जैज है, रैग टाइम है, इतने सारे जॉनर्स का कॉम्बिनेशन होके हिप हॉप एक नया जॉनर है, और हिप हॉप में भी इतने सारे सब जॉनर्स है कि मैंने तो आधे तक भी नहीं सुना। Right. तो जितना आप एक्सपेरिमेंटेशन करोगे उसके उसके ऊपर वो जॉनर्स निकलते ही जाएंगे। तो आई मेरा पर्पस लाइफ में यही है कि यार डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स की म्यूजिक सुनो, वहां से इंस्पायर्ड होकर कुछ करो। मेरे को तो आपका म्यूजिक इसीलिए सुनने में मजा आता है यार, एक तो नोबडी इज डूइंग रेगे एट दिस लेवल लाइक हाउ मच यू आर डूइंग, लाइक अ मेनस्ट्रीम, लाइक इमेजिन ब्रो, नाउ वी कैन कॉल यू मेनस्ट्रीम, राइट, देयर यूज्ड टू बी टाइम्स जब ऐसे म्यूजिक को मेनस्ट्रीम नहीं बोलते थे, बट नाउ इट्स अ लेवल, या लाइक योर जर्नी हैज बीन लाइक एनीथिंग मैन, अंडरग्राउंड अथॉरिटी से यहां तक यार, आई विल कैसा, लाइक मैं जब इमेजिन करता हूँ ना, बिकॉज आई यूज टू फॉलो रॉक सीन बैक देन, सो मैं भी रॉक बैंड्स को बहुत फॉलो करता था, और फिर सडनली फ्रॉम आज जैसे मैं आपके गाने सुन रहा था, आई वाज लिसनिंग टू जीजे स्टॉर्म, एंड आई वाज थिंकिंग दैट दिस गाय वाज अ गिटारिस्ट इन अ बैंड, नाउ ही इज मेकिंग सो सो वर्सटाइल बीट्स, लाइक क्या जर्नी होगी, राइट? या सीरियसली इट्स बीन अ रोलर कोस्टर, राइट, ये बहुत ही तूफानी, वो थम्स अप वाली तूफानी राइड है। तो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोगों ने, मैंने और स्टॉर्म ने हमारे करियर में 15 साल की करियर में हम लोगों ने कभी हार नहीं माना। बेसिकली अगर रॉक बैंड में भी हम लोगों ने म्यूजिक बनाया है तो वहां पे भी हम लोगों ने बहुत हिप हॉप के इन्फ्लुएंसेस भी वहां पे डाले हैं, एंड जब यहाँ पे भी हम लोग म्यूजिक बना रहे हैं तो हम रॉक के इन्फ्लुएंसेस भी डाल रहे हैं, रेगे के ऊपर काम कर रहे हैं, लोफाई पे भी काम चल रहा है, एंड जितने भी नए मोस्ट इम्पोर्टेंटली बिकॉज हम लोग लाइक बिफोर प्रायर टू बीइंग अ डीएचएच रैपर और अ डीएचएच बीट प्रोड्यूसर और अ म्यूजिक मेकर, हम लोग दोनों एक म्यूजिक डायरेक्टर के हिसाब से सोचते हैं। तो हम लोग का जो भी एक प्रोजेक्ट आता है तो हम एक कंपोजर और एक म्यूजिक डायरेक्टर के हिसाब से सुनते हैं कि ये फाइनल प्रोडक्ट क्या हम पेश कर सकते हैं। right. तो वो हम लोग को ट्रेनिंग मिल चुकी है कि यार एक गाने को हम कैसे म्यूजिकली ऑडियंस तक पहुंचा सकें, बिकॉज
हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, जैसे बिस्किट एड्स में भी काम किया है या फिर रूडीज के एड्स में भी काम किया है। तो बेसिकली मुझे इतनी सारा मुझे एक्सपेरिमेंटेशन करने को मिला है कि अब मुझे पता चल गया कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स द ऑडियंस वांट, एटलीस्ट म्यूजिकली। लिरिकली मैं अभी भी देख रहा हूँ कि मेरा ऑडियंस अभी क्या चाह रहा है, बट म्यूजिकली तो मुझे मालूम है कि यार ये चलेगा। दैट थिंग आई नो आज के टॉपिक के ऊपर। सो बिकॉज तो लॉकडाउन रेडियो में हम बेसिकली क्या करते हैं, अंडरग्राउंड रैपर्स के गाने को प्ले करते हैं, वी ट्राई टू सर्च फॉर गुड सॉन्ग, गुड म्यूजिक। सिंस वी हैव ईपीआर हियर, सो हमको प्रोटेस्ट पोएट्री वाले आर्टिस्ट को पकड़ना था, हमको वो रैप सॉन्ग्स निकालने थे जो आई थिंक कि आई वुड लव टू सी ईपीआर रिएक्टिंग टू देम, बिकॉज ईपीआर लाइक इज फेमस फॉर हिज प्रोटेस्ट पोएट्री ओनली। सो सबसे पहले ईपीआर, बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, हु इज अ प्रोटेस्ट पोएट, व्हाट इज अ प्रोटेस्ट पोएट्री, इन जो भी आप बता पाओ, इन शॉर्ट। एक आदमी या फिर एक कवि जो अपने सराउंडिंग्स के ऊपर लिखता है और जो भी सोशल इनजस्टिस या फिर इंस्टीट्यूशनल इनजस्टिस के ऊपर आवाज उठाता है, वेदर बीट इन अ सॉन्ग और बीट यूजिंग हिप हॉप एज अ मीडियम, वो बेसिकली आर्ट के थ्रू एक्टिविज्म भी करता है, तो बेसिकली इट इज अ प्रोटेस्ट पोएट। इसका कुछ डेफिनेशन नहीं है, बिकॉज द मोस्ट फेमस प्रोटेस्ट पोएट्स इन द वर्ल्ड आर नॉट इवन रैपर्स, जैसे बॉब डिलन या फिर बॉब मार्ले। सो तो बेसिकली इन देयर फुटस्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे, दैट इज प्रोटेस्ट पोएट्री एंड दैट इज अ प्रोटेस्ट पोएट। इसका कुछ डेफिनेशन नहीं है, तो इट्स अप टू यू, जस्ट स्टैंड अप अगेंस्ट द रॉन्ग थिंग्स। यस गेट अप, स्टैंड अप फॉर योर राइट्स। ठीक है, सो अब एक काम करते हैं, नॉयल डू द स्क्रीन शेयर वाला थिंग, आई विल स्टार्ट प्लेइंग दो सॉन्ग्स वन बाय वन। सो ईपीआर, अभी द फर्स्ट सॉन्ग दैट विल प्ले, इसका नाम है फिस्ट अप बाय अरमान यादव। ठीक है, आप बताना कैसा है। ठीक है, आई जस्ट प्ले इट। मुझे परेशान के सामने पर तेरे जुबान पे ना है ये एहसास बना एक खामोशी, फरार मेरे शब्द है दोषी, एक बार भी ना कर पाऊं पार परी धुन से बार ज़हन में साथ मेरे हिप हॉप के लिए प्यार कुछ संसार जो न मिले अल्फाज, तो क्या खाके आग जब हुए जल के राख मेरे ख्वाब, कुसीन में डेढ़ साल आज पिक कितने डेढ़ शान यहाँ चले कितने भेड़ चाल यहाँ, दो स्क्रीन बस एक दो खास कैसे डिस्क्राइब डेढ़ सौ नाम, तो शैली में होनहार सर पार जैसे जंजाल, हर बार कुछ ले घर बार मुद्दगर फ्लो लोहार, तो क्या करे सौ सोना सोना बन मान लोहार, पहुंचू मंजिल के पार, meanwhile they just wanna be black wanna be white, everybody caught up in this movement like they wanna be brown, just wanna mimic every other color that is not our pigment, wanna conversate feel the tongue tied fit a conversation while a better man dies, where you go chains girls be aside shades in your eyes when you step to the mic in the booth, we've got a whole lot of problems too, low class women gonna say me too, lies being sold on the news is truth, we gonna anchor sick in the crew, sycophants too, rhetoric loops in a fucking newsroom turn to a zoo, jokes on who nation really wants to know the truth, so get your fist up if you ever stood for shit, then better put your fist up if you never fuck with the system, I need a fist up if you ever went to the streets and then throw your wrist some, fist up let's jump, get your fist up if you ever stood for shit, then better put your fist up if you never fuck with the system, I need a fist up if you ever went to the streets. I don't know why he reminded me of Rage Against the Machine when he said get your fist up, mere ko pata nahi ki RATM ka yaad aa gaya, I don't know why. absolutely man, even me man, he reminded me of Zack Snyder of Fallout. Yeah thoda sa aur sun, fist up let's jump, they don't wanna see me politicking, ain't nobody know that the clock is ticking, the kids are pissed and the cops ballistic, and I'm a misfit if I fit the bill, shit, I could take the kapara umar get you, I didn't I rock yaan ek news, jalli lasha di raat bole jaat hui saap, lekin saap dele kaash karo drug use, anything for the TRP, the media turned to a PR team, what a pity that we caught up in a POV, powered by the GOV, DDP falls on JOB, RIP, corner me and born in peace, and if you really feel the same way too, then I better fucking see your fist up too, get your fist up, if you ever stood for shit, then better put your fist up, if you never fuck with the system, I need a fist up if you ever went to the streets and then throw your wrist up, fist up let's jump, get your fist up if you ever
worst of our shit, then better put your fist up. If you never fuck with the system, I need a fist up. If you ever went to the streets and endure your wrist some, fist up, let's jump. So what do you think? What do you think? Crazy man. I love the video. Like, whoever made the beat is really, really dope. Shout out to the beat maker. Huh. The beat was crazy. Huh. And I think he has used this one sample, which was also there in Serum WhatsApp. Okay. Is it? I might not be. Yeah. Karam jale jale jale. In song ke beech mein there was a sample, the same sample. I might not be. And kudos to the beat producer and the rapper. What can I say, man? Really nice. The cadence and the flow, the multi-syllable rhymes that he was doing, really nice. Mm-hmm. And mujhe first verse bahut acha laga. The second verse kind of went wo jahan pe OPOB GOB pura beat laga, but overall mujhe bahut sahi laga yaar. Matlab he is doing really dope, and the switch between English and Hindi is crazy. It's really nice. And mujhe laga uska control Hindi mein bahut jyada hai, so if he works on his English a little bit more, he will be really more punchy. And shout out to this guy, man, really nice. I might listen to him more and more. I mean, his name is Arman Yadav, right? Arman Yadav, yeah. And shout out to the video maker as well, man. He reminded me wo D-Smoke wali video ki yaad again. Really nice. Really crazy nice. Nice. Really nice, powerful visuals. Yeah. मतलब पूरा कन्वे हुआ था फीलिंग लाइक वॉट एवर लाइक पूरा लाइक देयर इज अ क्राउड रेडी फॉर प्रोटेस्ट एंड गेट योर फेस अप एंड वो पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ था एज अ व्यूअर आया था एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एज अ कोरस इट वाज अ वेरी कैची थिंगी लाइक अ इट वाज मोर लाइक अ स्लोगन टाइप काइंड ऑफ थिंग सो आई रियली लाइक दैट राइट बहुत मजा आया. अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है EPR, डू यू थिंक दैट वी हैव लेस नंबर ऑफ प्रोटेस्ट राइटर्स या प्रोटेस्ट रैपर्स ओवर हियर, लाइक ऐसा कुछ है आपको लगता है? ऐसा है बेसिकली क्या होता है कि बहुत आदमी डरते हैं, मतलब बहुत आर्टिस्ट सिंस प्रोटेस्ट पोएट्री मेनस्ट्रीम में नहीं आया अभी तक, बेसिकली बहुत कम चांस मिले हैं लाइक मेनस्ट्रीम में आने की. मतलब if you actually say Raftaar's Manto Yip is like the first mainstream thing जहाँ पे Raftaar भैया ने he is talking about so many things openly, right? But उसको छोड़ के मेनस्ट्रीम में उतनी protest poetry की जगह मिल नहीं पाई अभी, and with time it will be better. और दूसरी बात ये है कि protest poets, I mean like जो भी like a budding rapper जब कोई protest poetry देता है तो बेसिकली उसको डर है कि यार कोई मुझे क्या बोल देगा पता नहीं. फर्स्टली ये होता है, एंड सेकेंडली किसी भी टॉपिक की अगर आपको उसके ऊपर पोएट्री करना पड़ता है या फिर उसके ऊपर स्पेशली इश्यूज लाइक पॉलिटिक्स के ऊपर जब आपको रैप करना पड़ता है तो उसकी समझ होनी चाहिए. अगर आप वो बिना समझ के करते तो बहुत फेक लगता है, एंड जैसे लगता है कि यार एक ट्रेंडिंग इशू पे मैंने रैप कर, तो वो भी एक चीज है. एंड थर्डली ये भी है कि यार व्यूज नहीं मिलते हैं. एक्चुअली ये सारे मेरे क्वेश्चन हैं क्योंकि आप यू आर द राइट पर्सन टू आंसर ऑल दिस बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू लाइक ऑल ऑफ दिस हैज बीन अ पार्ट ऑफ योर जर्नी. सब कुछ देख के आए हो आप यहाँ पे, एंड यू कुड हैव स्विच एनी टाइम लाइक ये बहुत हो गया छोड़ देता हूँ, ना मेरे को उतना व्यूज मिलते हैं ना मेरे को जनता उतना लाइक सुनना चाहती है. देयर इज अ वेरी हैंडफुल ऑफ फॉलोअर्स दैट आई हैव व्हिच आर लाइक रिलीजियसली बिलीव इनटू मी और माय म्यूजिक, दे लाइक माय म्यूजिक, बट अदरवाइज यार कमर्शियल में तो नहीं होने वाला मेरा काम. तो ठीक है, चलिए एक सॉन्ग प्ले करते हैं, है ना, नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करते हैं, देन वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन की एज अ प्रोटेस्ट पोएट हमको कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है टू कीप ऑन डूइंग व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू. ये हम लोग एक सॉन्ग सुनते हैं उसके बाद करते हैं. Okay, so this song is Comedy Show by Farhan Khan, young rapper, very young rapper, different style. मैं तो सोचा कि ये थोड़ा different type of protest poetry होगा. देखता हूँ कि आप इसको how would you react to it? ठीक है, so artist is Farhan Khan, song is Comedy Show. Farhan Khan, check it out. Yeah. Bro, ये comedy show है. हर व्यक्ति के मुंह दो है, bro. ये comedy show है. ब्रो ये कॉमेडी शो है, हर व्यक्ति के मुंह दो है, ब्रो ये कॉमेडी शो है, ब्रो ये कॉमेडी.
कॉमेडी शो है, सब है मजाक, वर्दी से खाकी तक सब है बिकाव, बिक चुके सब झूठे तक ख्वाब, अच्छे दिन की दर है बोलो ना साफ, बोलो ना खाके समाज, फिर अनशन पे बैठे ना खाते या नाश, ये मंदिर ना छोड़े, ये मस्जिद ना छोड़े, ये कर बैठे बेटी संग मंदिर में पाप, 71 साल देश की आजादी को, पर तुम नारी हो तुम ना आजादी लो, बेटी काली तो उसको गाली दो, उसकी वजह से दहेज बड़े शादी को, मारो तुम दारी को जिंदा जला डालो, अंदर के अंगों को जल से हिला डालो, जो ना वो माने तो उसको अजाब दो, मुंह को बिगाड़ दो, ये लो तेजाब लो मार दो, इंसान है वो पर छोड़ो ना उसे, देखे गाय को जोर गाय को तो समझते है माँ, फिर सगी माँ आश्रम में काय को ब्रो, बाय 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 बाय, बोलो मुझे तुम भाई 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 भाई, घर पे कड़की है बनना अमीर, मुझे तो क्या मैं बेचूं अब चाय चाय चाय, चल हट, ये चोर है सब और सबको पता है पर सो रहे हैं सब, तुम मंदिरों मस्जिद के चक्कर में लड़ लड़ के काफिर बने, तुम तो खो चुके रब, जाओ कूद पड़ो, लो चुल्लू से पानी और डूब मरो, अपनी किस्मत पे सालों तुम कूद पड़ो, क्योंकि घर बैठने से तो घंटा कुछ नहीं होगा, तो सहते रहो, क्योंकि ब्रो ये कॉमेडी शो है, हर व्यक्ति के मुंह दो है ब्रो, ये कॉमेडी शो है, रंग उड़े बैठे क्रो, ये ब्रो ये कॉमेडी शो है, हर व्यक्ति के मुंह दो है ब्रो, ये कॉमेडी शो है ब्रो, ये कॉमेडी शो है, दारू मुझे लाके दे छोटे नाके से, बेटी की स्कूल फीस छोड़ जाने दे, दारू को आने दे साथ में सुट्टा, और बचेगा छुट्टा तो ले आना गुटका, वैसे भी पढ़ लिख कर करेगी क्या, कर दूंगा ब्याह उसका कर दूंगा स्वा, शादी के बाद भी रोटी बनाएगी, कौन सा वो पढ़ लिख कर चांद पे जाएगी, तू दारू ला, कीड़े बड़े सोच, मैं भी के बड़े रोड पे, गांधी के आशिक ये पीछे बड़े लोड के, पतरे के छपरे ना आंधी को रोकते, घर चाहिए पक्का तो पहले तू वोट दे, बाद में कोसेगा कि साले फ्रॉड थे, चक्कर पे चक्कर लगाएगा कोर्ट के, घंटा मिलेगा घर आएगा लौट के, आके फिर बोलेगा सब दी के भोसे, चंदा सुपारी है सरकार चबारी है, तिनका ना दाढ़ी में तिनके में दाढ़ी है, पिंजरे में नारी है, खाने को दाली है, गंगा भी मैली ना पीने को पानी है, गलती तुम्हारी है चुनी गुलामी है, कर्जा तो है ही बस होनी नीलामी है, चावल तुम सब सारे जिसको भी वोट दो, चावल तो चावल है बननी बिरयानी है, बिरयानी अरे सस्ते ये लोग, खिचड़ी है खिचड़ी, अच्छा चल ठीक है ब्रो, ये कॉमेडी शो है, हर व्यक्ति के मुंह दो। What do you think, man? What do you think? Bro. That is one complete track with a beautiful sound, and what a beautiful track. What a beautiful track. Yeah. Close to everything. I love the video. I love the usne jo bhi bola, usne itne sare topics touch kiye. I could actually see he was talking about patriarchy. Yes. He was talking about communal disharmony. He was talking about political corruption. Yes. And bahut hi lucidly usne likha hai, and it can be understood by everyone. Yes. Everyone. Yes. I love the chorus. I love the beat, and love the video as well. Yeah. Main ek hi cheez agar tip de sakta hu ki jo most of the flows were like much from very new school inspired. Mm-hmm. Bro, that kind of thing. So I mean, like, agar baad mein jab wo, I'm pretty sure he's new, and the more he works on, the more he'll develop his unique flow. From that, the track is brilliant. मेरे को पता है सबसे सही चीज क्या लगी, दैट व्हाटएवर ही वाज टॉकिंग अबाउट वाज इतना सीरियस स्टफ था, बट उसको एक डायरेक्टली पूरा पूरा प्रेजेंट कर दिया कि सब चीज कन्वे भी हो गया, अग्रेसिव भी नहीं है, और हो गया जान एकदम, एंड ही इज टॉकिंग स्ट्रेट ऑन पॉइंट। यस, बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं ना, जहां पे आप देख रहे हो कि क्या बंदा क्या बोल रहा है, मतलब ही इज जस्ट सेइंग बंदा क्या बोल रहा है, लेकिन इस बंदे ने जो भी बोला है मतलब इतना क्लियर था कि मैं सब मतलब आपको मैं तो छोड़ दो यार, कोई भी समझ जाएगा, कोई भी सब रिलेट करेंगे, राइट सब रिलेट करेंगे, एंड रियली रियली नाइसली पुट, राइट, कुडोस टू द गाय, कुडोस टू द बीट मेकर, बीट इज आल्सो वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, कैची न्यू स्कूल बीट, बहुत ही अच्छा है यार। यस, फरहान खान, राइट, फरहान खान कॉमेडी शो, सो सच अमेजिंग टू सी दीस पीपल मैन, हैज कम अ लॉन्ग वे, जस्ट इमेजिन दीस गाइस आर लाइक पुटिंग इन देयर हार्ट एंड सोल इनटू म्यूजिक दैट अभी कोई केयर नहीं करना, एंड यू नो व्हाट, मैं आपके बारे में ये सोचता हूँ, एक्चुअली मैं यही सोच रहा था, मैं आपके गाने क्योंकि लग के सुन रहा था लाइक फ्रॉम यस्टरडे, बिकॉज यार लाइक आई वांट टू पिक अप थिंग्स फ्रॉम सॉन्ग्स, सो आई वाज थिंकिंग यार ये बंदा हर टाइप के गाने बना चुका है, ठीक है, और तब भी अपना थीम नहीं चेंज कर रहा, ये अपना थीम चेंज नहीं कर रहा, और जबकि कितने टाइम आया होगा कि यार चलो एक टाइम तो था व्हेन आई नेवर यूज्ड टू केयर अबाउट कि आउटपुट क्या होगा, ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग म्यूजिक बिकॉज मेरे को मजा आता है, लेकिन व्हेन यू ग्रो, ठीक है, ग्रो लाइक दिस कि अब तो पूरे इंडिया में नाम है, राइट, एज अ प्रोटेस्ट पोएट या फिर एज अ रैपर, है ना, आपको लाइक
इतने डोर्स हैं जो ओपन हो सकते हैं. यू कैन, आपने रोमांटिक सॉन्ग भी बनाया तो आपने वो कैसा राइटिंग उस पर लिखा, ठीक है. सो हाउ डू यू मेंटेन योर ऑथेंटिसिटी, राइट, कि ये तो मैं नहीं छोड़ने वाला भाई, मेरा सॉन्ग में लिरिक्स इंपॉर्टेंट है, वो मैं नहीं छोड़ूंगा. हाउ डू, ये थीम कैसे अभी तक चल रहा है, एंड आई एम श्योर आगे भी चलेगा, हाउ, लाइक व्हाट इज द मोटिवेशन? सो बेसिकली मोटिवेशन, मतलब सिंस मेरी जो जर्नी रही है बहुत ही वियर्ड जर्नी रही है, बिकॉज मैंने जब शुरुआती मैंने जब म्यूजिक में शुरुआत की तो यहाँ पे कोई हिप हॉप सीन था ही नहीं, तो हम लोग पहले ऑर्कुट में बैटल करते थे. तो बेसिकली वहां पे क्या था कि शुरुआती से ही मुझे लिरिक्स पे बहुत ध्यान देना था, क्योंकि ऑर्कुट में ऑडियोज का ऑडियो बैटल का कुछ फॉर्मेट नहीं था, एंड तब एक डेमो बनाना भी बहुत बहुत पैसा खर्चा होता था, एंड घर में भी कंप्यूटर नहीं था. तो मैं बात कर रहा हूँ पेंटियम 2 पेंटियम 3 के जमाने में. तो बेसिकली हेडफोन लगा के हम लोग रैप करते थे, और क्रॉप गार्ड की जगह में हम लोग रूमाल घुमा देते थे एंड रैप करते थे. कूल एडिट प्रो सॉफ्टवेयर था. तो तब के जमाने से वी यूज्ड टू बैटल, टेक्स्ट में बैटल करते थे, तो तब से ही हम लोग सीख गए थे कि यू नो कि लिरिक्स कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है. उसके बाद जब मैंने रॉक बैंड ज्वाइन किया और वहां से इतनी सारी म्यूजिकल आउटपुट सीखने को मिली, तो मेरा रैप के ऊपर आउटलुक ही बदल गया. एंड जब मैं मुझे पढ़ना, मतलब आई रीड अ लॉट, तो जब मैंने पीट सीगर के बारे में पढ़ा, या फिर बॉब माली के बारे में पढ़ा, या फिर जैक डेलोरुका के बारे में पढ़ा, तो वैसा मेरा एक बहुत फेस था. तो मैं डीपली इंस्पायर्ड हो गया कि मुझे यही करना है. क्योंकि मैं, अगर आप लोग बोलेंगे यार ये प्रोटेस्ट पोएट्री तो करते हैं, लेकिन ऐसे गाने तो तुम दोस्त लोग के साथ चिल करते हुए नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे, लेकिन नहीं सुनोगे, लेकिन मैं वो बंदा, वो ये गाने सुनता है, मतलब वो चिल करता है. तो और मेरे दोस्त, कई दोस्त भी ऐसे हैं कि हम जब चिल भी करते हैं तो ऐसे गाने सुनते हैं, एंड वी डिस्कस अबाउट. EPR, you know, I'll tell you as a viewer, I'll tell you as a listener, देखो जब मैं अकेले में EPR के गाने समझने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को गूगल का जरूरत पड़ता है, ठीक है, कि लाइक यार ये तो मैंने, इसका तो मैं जानता ही नहीं हूँ, मतलब क्या, मैंने सुना ही नहीं है. लेकिन EPR इज ऑल्सो वन आर्टिस्ट जिसको मैं दुनिया से बोल के कि यार मैं EPR को सुनता हूँ, मैं बोस्ट ऑफ करता हूँ, क्या मेरा म्यूजिकल टेस्ट ये है कि मैं EPR का म्यूजिक सुनता हूँ. तो ये भी अब एक ऐसी भी बहुत सारी क्राउड है, आई एम श्योर आपने ये भी क्राउड बहुत देखा होगा कि जिसने आपके ज्यादा गाने नहीं सुने बट दे आर EPR फैंस. क्योंकि अभी लाइक एक एक कैटेगरी होती है ना EPR, ब्रदर वी और ऐसे करके, लाइक इनको सुनना कूल है. सो ऐसा भी हुआ होगा, राइट? तो ऐसा भी हुआ है. लेकिन हाँ, तो मैं ये भी सुनता हूँ. तो बेसिकली अभी क्या होता है कि a lot of people come up to me and say that the newest trend about my music is like ye to bahut complex hai. So basically agar aap mera catalog khologe to only 4-5 songs aapko complex milenge. Basically otherwise every song is like very normal and it's just about a political issue. Aapko political issue ke bare mein thoda google karna padega, warna the language is very simple. It's only songs like Srinivan IPR, Rastafari, Q, Ek Taraf are the ones which are, you know, जहाँ पे मैंने अपने हिसाब से थोड़ा evolution लाने की कोशिश की, because as a writer even I want to evolve. And you know what? Those songs are your most beautiful song, yeah. ठीक है, मतलब ये वो सॉन्ग है ना, आप इनको 1000 बार भी सुनोगे आपको हर बार कुछ नया सुनने को मिलेगा, बिकॉज इतना सारा कंटेंट इन वन सॉन्ग दिया है आपने कि ये वो सॉन्ग होते जो नहीं पुराने होते यार कि बहुत सुन लिया, ये वो गाने नहीं है जो तुम बहुत. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच. या ठीक है, चलिए, ओके, वी विल कट दिस कन्वर्सेशन एंड वी विल मूव टू नेक्स्ट सॉन्ग नाउ. अगला गाना सुनते हैं. एब्सोल्युटली सुपर 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 डुपर एक्साइटेड. टू आर्टिस्ट, टू ब्रिलियंट आर्टिस्ट मैन, क्रेजी. अब जो आर्टिस्ट हैं उनका नाम है श्रेय, सॉन्ग का नाम है कल. श्रेय कल, कल कल टुमारो, कल. मेरी आवाज और मेरा ये दर्द, जाने ये कमरे की चार दीवारें, अंधेरा है चारों तरफ, ख्वाहिश है मेरी की देखो और शाम सितारे, दीवाने आजादी के सालों से भरे बैठे हम भी सालों से, उड़ने की ख्वाहिश है ऐसी की जान, हथेली पे रख भिड़ू सारों से, मानो ना मानो ये खबरें हैं चल, मैंने देखा नन्नी आंखों में डर, मानो ना मानो ये खबरें हैं चल, मैंने देखा है अपनों का कत्ल, मानो ना मानो ये खबरें हैं चल, मैंने देखा नन्नी आंखों में डर, मानो ना मानो ये खबरें हैं चल, जंग से सुधरे ना किसी का कल. आजादी उमंग में जीना मैं चाहता तो लोगों में दहशत है क्यों,
शांति के नाम पे कर तू ते काली इंसान से नफरत है क्यों वैसे दरिंदे ये रक्षा की बन बैठे रक्षा करते करते क्षति ये कर बैठे जीत घमंड की दिए जलाऊं क्या इंसानियत खत्म समा में जहरीली बातें पहली हवासी लड़ने को बंदूकें मिलती दवानी सजदा खुदा का तो लगती दुवानी घर से मैं निकलूं तो कल का पता नहीं मैं जीना चाहता खुले आसमान में हद पार ये डर मेरी रगों में की बसता रास्ता न मिले मुझे क्रोधित में फुंटित में फिर भी क्यों हंसता जिंदा रहने का ढूंढू मैं जरिया जंग शलावा है बदलो नजरिया माशुका की है लाश का भी पता नहीं शहीद बेकसूर के कसूर का भी पता नहीं हाँ खून की नदियों में डुबकी लगाऊं या बन आतंकवादी सूली पे चढ़ाऊं या खुद को मार के मैं कम करूं कम पापा कहाँ है माँ को क्या बताऊं जो सजा कटे जेल भी न बात किसी का क्या कसूर लाट साहब का आवाज जंग के खिलाफ कटे रिश्ते कटे मेरे अपने सोच में ईगो ये सोच से लंगड़े झूठ बुनियाद खोखली है दुनिया शोर है कितना पर सुनते ना गुड़िया की चीख यहाँ जीना मजबूरी है दूरी है बंदिश ना उड़ने का जरिया आवाज और मेरा ये दर्द जाने ये कमरे की चार दीवारें अंधेरा है चारों तरफ ख्वाहिश है मेरी की देखूं और शाम सितारे दीवाने आजादी के सालों से भरे बैठे हम भी सालों से उड़ने की ख्वाहिश है ऐसी की जान हथेली पे रख भिड़ू सारों से मानो न मानो ये खबरें हैं चल मैंने देखा नन्नी आंखों में डर मानो न मानो ये खबरें हैं चल मैंने देखा है अपनों का कत्ल मानो न मानो ये खबरें हैं चल मैंने देखा नन्नी आंखों में डर मानो न मानो ये खबरें हैं चल जंग से सुधरे ना किसी का कल I really like it. First things first, मुझे वीडियो भी बहुत पसंद आया यार. Very very wise choice of imagery. Right. मुझे लगा कि this guy is very poetic. तो very poetic with this language. मुझे couple of lines अभी याद है. रास्ते से निकला तो कल का पता नहीं something like that. So very very कल का पता नहीं something like that. But very very poetic and मुझे बहुत सही लगा यार. Just one thing is that I'm not sure exactly what he's talking about. That's the only thing that I will say. But apart from the beat is good, the video is nice. His choice of lyrics, उसने बहुत ही सही lyrics इस्तेमाल किए and again very lucidly written words. किसी को भी अगर आप सुना दो तो वो समझ पाएंगे and they will vibe with it. And really nice man, really nice. It's a very grim feeling, a very dull but really nice. Crazy man. What's the artist's name? His name is Shrey. Song's Shrey, name is Shrey, right? Shrey. Shrey. Song's name is Kal. I think he was talking about all war. His songs are like that. Huh? All his songs are like this. I mean, like. Actually, I'm not very sure. I haven't explored his music इतना ज़्यादा. ये song हम लोगों ने lockdown video पे explore करा था. Then we were like, यार ये like. So इसको हमने pick करा था. Like we have set of songs जो भी हमको बहुत अच्छे का songs लगते हैं. उनको हम diamond songs करके बोलते हैं. Like we are not supposed to miss those songs. So इस song को हमने pick करा था यार ये like. हमको तो बहुत ही सही लगा था लाइक जिससे सबने बहुत रिलेट करा क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि कुछ तो पोएटिक वे ऑफ एक्सप्रेशन था इसमें जो हर चीज को बहुत ही रोमांटिसाइज कर रहा था या कुछ तो कर रहा था या सो ही रिमाइंडेड मी ऑफ दिस वॉर पोएट कॉल्ड विल्फ्रेड ओवेन जो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे यस यस लाइक पोएम था फ्यूटिलिटी सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिज पोएम्स वर लाइक ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर एंड मेरे ख्याल से On these lines भी वो वही बोल रहा है yes, but at the same time उसका उसका poetic expression I'm pretty sure उसका जो poetic expression था वो wanted to convey that but right. as a listener मुझे लगा कि यार कि I could not get the context of it मतलब क्या specific हाँ एक्चुअली मेरे को भी ऐसे ही लगा था यूपीआर ये मैं एक्चुअली आपसे डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ कि मजा आ रहा है अब ये यहाँ पे बात हुई है क्या आपको लगता है मुझे भी बहुत मजा आ रहा है क्या आपको लगता है कभी कभी ऐसे ओपन एंडेड सॉन्ग्स बनाने भी इंटरेस्टिंग होता है कि जनता को समझ ही ना आए क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंग्लिश भी गाने मिलते हैं जिसमें पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं मिला बट दे आर फ्यू लाइंस है ना जो बहुत जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पता नहीं क्या वो याद आ रहा है यार पिंक फ्लॉयड का कौन सा ग्रास वाज ग्रीन लाइट वाज ब्राइट है ना लाइक आप समझ नहीं सकते व्हाट इज ही एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट बट देयर इज समथिंग व्हिच इज टचिंग योर हार्ट तो ये भी जरूरी है कभी कभी व्हाट डू यू थिंक या ये बहुत ही जरूरी है आई मीन लाइक इसीलिए मैं पूछ रहा था आपको कि यार इसके डिफरेंट सॉन्ग्स कैसे हैं तो बेसिकली इफ इट्स हिज स्टाइल कि वो पोएट्री मतलब बंदा बहुत ही पोएट्री से खेलता है एंड हिज वर्ड चॉइस ऑफ वर्ड प्ले इज आल्सो दैट इसकी वो इमेजरी से खेलता है सो एंड फैक्ट से नहीं खेलता right. तो इसलिए मैं देख रहा था कि उसका चॉइस वो है कि नहीं हाँ. और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं कंटेक्स्ट इसलिए पूछता हूँ कि अगर बहुत सारे ऐसे रैपर्स निकले हैं जो जैसे आपने कहा ना कि लाइक ईपीआर को सुनना कूल है तो बहुत सारे ऐसे रैपर भी निकले हैं जिन्होंने बना दिया कि यार प्रोटेस्ट पोएट्री बनना भी कूल है राइट राइट मतलब हाँ एक इशू पकड़ो ये ट्रेंडिंग टॉपिक है इस पे लिखना है मतलब right. बिना
उसको समझे बिना पढ़ाई किए हुए, तो वो लोग जब लिखते हैं ना तो वो भी ऐसे ओपन एंडेड वाले लिखते हैं, मतलब इतने अच्छे से नहीं लिखते लेकिन बहुत ही ओपन एंडेड होता है, मतलब वेरी वेरी बेसिक होता है कि यार जंग क्यों कर रहे हैं हम लोग। नहीं यार, बहुत ही सही चीज आपने पॉइंट आउट करी। एक्चुअली क्या हुआ था ना, ये जो मैंने सॉन्ग्स चूज करे हैं इसमें एक ये श्रेय का कल तो मैंने पहले पिक कर लिया था क्योंकि वो मैंने अभी रिसेंटली सुना था, मुझे बहुत ही सही लगा था। बाकी जितने भी सॉन्ग्स आए हैं ये मैंने बेसिकली इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर क्वेश्चन डाला था, लाइक टेल मी द बेस्ट प्रोटेस्ट पोएट्री सॉन्ग दैट यू हैव हर्ड इन रिसेंट टाइम समथिंग लाइक दैट। तो उसके ऊपर मेरे को करीब 100 गाने आए और मैंने वो सारे गाने सुन सुन के उनमें से पिक करे मैंने गाने। तो जो आप अभी बात बोल रहे हो ना, मुझे आधे ज्यादा सॉन्ग इसीलिए मतलब कंसिडर नहीं करा मैंने, क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि यार ये इशू को मिल्क करा गया है, राइट? क्योंकि इसमें उतना ना मैसेज कन्वे हो रहा है ना कोई फैक्ट्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, बस ये है कि यार हमें इशू पे गाना बनाना है। तो लाइक ये बहुत अच्छा आपने एक एडवाइस दिया कि अगर प्रोटेस्ट पोएट बनना है तो ऐसा ना बनना हाफ नॉलेज से ना बनना। एब्सोल्युटली, क्योंकि मुझे ये बात श्रेय के गाने से फील हुई कि यार ये बंदा जो भी बोल रहा है मतलब अंदर से बोल रहा है, दिल से बोल रहा है, कोई भी फेकनेस की बात नहीं है, दिल से बोल रहा है, मतलब वो पोएट्री करना चाहता है। तो अगर वो बोल रहा है तो उसकी विल्टर्ड वुमन की बात मेरे को याद आ गई। लेकिन अगर कोई और होता मतलब वो ओपन एंडेड तो मैं बोलता यार ही इज जस्ट डूइंग इट फॉर उसको जस्ट रेस्पेक्ट के लिए, मतलब फेम तो है नहीं प्रोटेस्ट पोएट्री में, व्यूज तो नहीं मिलेंगे, रेस्पेक्ट ही मिल सकता है, रेस्पेक्ट के लिए कर रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सॉन्ग सुनते हैं। ठीक है, शाउट आउट टू दिस गाय मैन श्रेय, आई विल रिमेंबर श्रेय फरहान, व्हाट श्रेय फरहान फर्स्ट गाय, अरमान यादव यस। ओके, सो नेक्स्ट सॉन्ग जो है हमारा, दिस इज फ्रॉम कश्मीर, ठीक है। गाने का नाम है डजान, आई होप मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस इज शायद उनका लोकल लैंग्वेज का वर्ड है। और इसमें भी हैं अली सैफुद्दीन, आई थिंक ही इज द गिटारिस्ट, एमआर एंड स्ट्रेट आउट ऑफ श्रीनगर, एसओएस इज अ क्रू ऑफ टू मेंबर्स। तो ये तीन रैपर हैं एंड आई थिंक ही इज अली सैफुद्दीन जो गिटारिस्ट है एंड कंपोजर है। सो या लेट्स लिसन टू, इसका नाम है डजान। हर इंसान बना मुफ्ती यहाँ गिनते हैं खुदा, पर्दे के पीछे चलता सब उड़ते थे मुझे सलाह, वो कहते मौसिकी से मिलता कुछ नहीं, मैं बोला मौसिकी से दुनिया हिल गई। हम नाकाम नहीं, हम अनजान नहीं, हक की आवाज है तो कैसे ये पैगाम नहीं, या गुनहगार बने फिरे हैं इमाम कहीं, मेरी गर्दन पे है तलवार ये आसान नहीं, लड़ते कलम से हम हमारी ना कदर, चलते हम आंधियों में होके बेफिक्र, लड़कियों को ताड़े बाप की उम्र के काश, इन पे पड़ती इनकी माँ बहन की नजर, इन्हें लगता हम तो अय्याश, क्या ही करते, बनते हम लोगों की आवाज और मिलता हसद है, क्यों इतनी नफरत है, क्यों पूछो फितरत से। खरीद मैं कलम, ये नहीं है मुफ्त, जब भी ये गाने बजेंगे तकल्लुस हमारे कैसे होंगे लुप्त,
सारे जिनका करना फाश मुझे मरना जिंदा रहेगी मेरी आवाज दे देनी धरना कलम बनाते अपनी तलवार झुकाते सरना लहू हमारा जैसे अंगार ये गाने टेस्टमेंट ऑफ होप मैं मार्टिन लूथर ये चाहते खाऊं इनसे कॉफ मैं लियो मेजर दे दे मशवरा जाहिल कौम खुद जो है बेगर इनकी सुनता ही है कौन दिखाते तेवर हम एक सफर में जिसमें पीछे है कांटे बंदे कफन में फिर भी हम हार ना माने अंधे नहीं जो देखे वही बताते तुमसे लाख गुना बेहतर अपने हक को पहचाने Okay, song is Dazan by Anisafuddin Ahmar and SOS. What do you think? This is one of my favorite songs because aapko pata hi hai ki ye rap rock se yes meri kitni lagav hai aur kitni pyar hai. So basically when the beat started I really you know mujhe bahut acha laga ki yaar ye rap rock hai and very authentic song. Aap se jab hum baat kar rahe the individuality ke bare mein, so this is that individual song aur ya sound jo koi replicate nahi kar sakta matlab aapke ya koi nahi kar sakta that kashmiri vibe is there in the vocals and the chorus in the guitar solo in the guitar solo as well yeah absolutely I mean I still think the guitar solo could be better and the last part kyunki I'm so much associated with sorry for being extremely judgmental on that but jab bhi koi live instruments ke sath ya fir you know when rock sound se kuch bhi hota hai to I become like extremely picky But yeah, the first start to the three verses were extremely well, that one line hit me really hard. Which आपसे आपसे लाख गुना जानते हैं better like अपने हक को हम पहचानते हैं. पहचानते हैं, हाँ हाँ हाँ, right. Yeah, आपसे लाख गुना better हम अपने हक को पहचानते हैं. That line had a very deep impact, and all three because मैंने अहमर को पहले सुना है and अहमर के words से मैं I have heard Emmer and he is up to it. He's a very nice rapper and very, you know, very brilliant writer. In dono ko maine pehli baar suna hai and crazy vibes, man. I get like, mujhe bahut pasand aaya. The beat was really a banger. Jab wo pehla shuru aaya na, it was a banger. Last ki taraf itna jhool gaya. But I think if the more they improve or mere khayal se ye live drums bhi nahi use kiya gaya hoga. It must be you know programmed and stuff like that but I believe and wahan pe I mean like they are all from Kashmir right yeah I think Ali Safuddin is not a part of them like he's an individual musician jo apne gaane banate hain not rap songs but other guitar based songs I think jahan tak maine thoda sa Ali Safuddin ke bare mein dekha tha ha to mujhe lag raha hai ki shayad ye sabne charo kashmiri artists ne milke collab kara to bahut sahi collab kiya hai yaar matlab this is I can imagine like from the hardships and in that zone aur wahan pe to zyada equipment ki availability bhi nahi hogi to this production like meri jo bhi complaints hai is track se wo production based hai last part mein just but lyrically it's dope I loved mujhe teenon ke matlab rapping style cadence flow wagera bahut hi acche lage teenon were spitting like really nicely कोरस भी मुझे बहुत सही लगा यार इट गॉट अ वेरी अर्थली फील टू इट मुझे बहुत कोरस सही लगा यार बहुत ही सोलफुल था वो कोरस बहुत ही सोलफुल था बट यार ये मजा आता है ना कि जब जैसे ये कश्मीर के आर्टिस्ट थे इन्होंने अपना गाना बनाया उसमें यू कैन फील कश्मीर का म्यूजिक लाइक दैट साइड का म्यूजिक ऐसी जब कलकत्ता के लोग अपने गाने बनाते हैं लाइक अभी एक ग्रुप और है कलकत्ता का मैं उनको सुन रहा था तो उसमें जब वो थोड़ा थोड़ा रीजनल चीजें यूज करते हैं मुझे लगता है वो करना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें डिफरेंट बनाता है वो तुम्हें डिफरेंट बनाता है एब्सोल्युटली राइट वो एकदम बिकॉज़ वो अर्थली फील हम लोग जहां से बिलोंग करते हैं अगर उसकी साउंड्स हम इनकॉर्पोरेट कर सके Yes. तो वो हमें वो हमारे म्यूजिक को एक और डिमेंशन देता है और एक डिमेंशन ओपन अप हो जाता है देखिए क्योंकि अगर हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस को ही रख के चले
सो अपना साउंड कभी भी हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। राइट जैसे जैसे कि आप देखो ना जैसे श्लोका है वो अपने रीजनल यूज करते हैं तो मेरे को बहुत मजा आता है, मेरे को बहुत मजा आता है जब यूपी या बिहार का कोई लड़का अपना रीजनल यूज करता है बिकॉज सपोजिटली इट्स नॉट दैट कूल, लेकिन अगर वो जब गाने में आता है अच्छे से यूज करके आता है तो भाई वो बहुत कूल लगता है। तो बहुत मुझे तो बहुत कूल लगता है यार। मुझे जब भी मैं पहली बार यहाँ पे कलकत्ता में एक साइपर में एक रैपर को देखा था जब वो मैथिली में बार्स बोल रहा था, भोजपुरी में बार्स बोल रहा था, तो मैं उड़ गया था। मैं लगा, मुझे लगा था कि यार व्हाट इज दिस, दिस इज द मोस्ट क्रेजीएस्ट साउंड। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार जब कोई अपने रीजन को रिप्रेजेंट करता है, सबसे रिप्रेजेंट करना है उसके साउंड से, मुझे लगता है दैट्स द बेस्ट थिंग अ पर्सन कैन डू। मुझे अगर तमिल की अगर ग्रास थोड़ी भी होती ना, मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा से बात करता तमिल में, थोड़ी भी अगर ग्रास होती ना मैं तमिल में रैप करना शुरू कर दूंगा। एंड इन द फ्यूचर आई माइट, इन द फ्यूचर आई माइट एंड वर्क विथ लाइक आपके साथ ये दिक्कत है ना कि आप इतना ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो कि एक टाइम ये हो जाएगा कि हाँ चलो मैंने ये सब कर लिया, अब मुझे क्या नया सीखना है, अब मुझे कुछ तो नया सीखना है। बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियन होते हैं ना वो जनता को सेटिस्फाई करने के लिए म्यूजिक नहीं बनाते, वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बनाते हैं। तो जैसे मैं आपके बहुत सारे गाने सुन रहा था तो उसमें मुझे लग रहा है कि यार ये देखो दिस टाइम ही इज प्योरली लाइक व्हाट यू से इंस्पायर्ड बाय लिंकिन पार्क, ये पूरा लिंकिन पार्क का साउंड यूज करा है क्योंकि मजा आ रहा है मेरे को, वो चीज करने में मजा आ रहा है मेरे को, साउंड एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है। सो आई वाज सेइंग दैट आई एम श्योर यू गोना लाइक डू सो मेनी थिंग्स मैन, एंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। चलिए ठीक है, आज के सॉन्ग्स हमारे हो गए, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर न्यू आर्टिस्ट, मैं एक एक करके पूछूंगा। एक क्वेश्चन बीच में ब्रेक हुआ था, वो क्वेश्चन ये था कि व्यूज तो आते हैं नहीं भाई, प्रोटेस्ट पोएट्स को व्यूज नहीं आते, वो आने भी नहीं है, हाल फिलहाल नहीं आने, लेकिन जनता बहुत स्ट्रॉन्ग मिलती है, जनता जो मिलती है वो फिर मतलब तुम्हारी है, लाइक वो वेट करेगी एकदम। तो नए आर्टिस्ट हैं ठीक है, सबको भूख है बड़ा बनने की, और आपके पास तो था टाइम, आज तो किसी के पास 10 साल नहीं है ठीक है, सिंपल बात, कोई नहीं 10 साल लगाने वाला ये सब करते करते, वो डीमोटिवेट ना हो और अपने काम में अपनी बड़ी से यार सच्चाई को मेंटेन रखें और बीइंग अ प्रोटेस्ट पोएट, ऐसा क्या आप उनको राय दोगे कि वो डीमोटिवेट ना हो और अपनी ऑथेंटिसिटी मेंटेन रखें? व्हाट वुड यू एडवाइस? मेरी एडवाइस यही होगी यार कि अगर इफ यू लुक एट माय करियर, मैं सिर्फ प्रोटेस्ट पोएट्री, अगर मैं अगर क्लेम करता हूँ कि मैं सिर्फ प्रोटेस्ट पोएट्री करता हूँ तो ये सबसे बड़ी झूठ होगी, क्योंकि मैं सिर्फ वही नहीं करता। प्रोटेस्ट पोएट्री से पैसे आते नहीं है, व्यूज भी नहीं आते, रिस्पेक्ट थोड़ी बहुत आ जाती है, बट वो रिस्पेक्ट भी बहुत लिमिटेड होती है, बिकॉज लाइक मोर पीपल मोर रिस्पेक्ट इज लाइक एज प्रोपोर्शनल टू इट। लेकिन एक चीज है कि मैं प्रोटेस्ट पोएट्री इसलिए करता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट, मुझे ये करना है, एंड मैं बहुत सालों से ये करते आया हूँ, बट इसके साथ साथ मैं बहुत कुछ करता हूँ एज अ करियर ऑप्शन, लाइक आई कंपोज music and I write jingles, main theme songs banata hu, different Bengali industry mein bhi kaam karta hu, and like jo bhi karta hu, uske baad underground authority ke sath shows bhi karta hu, aur jahan pe main stage pe uth ke Urvashi ke sath main rap bhi karta hu, ha, I'm singing Urvashi yes, usme beech mein main 4 line rap kar diya, fir ya fir wo sab bhi maine kiya aur main karta jaunga, because those are the things jo mujhe freedom deta hai कि मैं सारे जीवन भर तक प्रोटेस्ट पोएट्री कर सकूं, और जो yes. भी हाँ अगर 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 मुझे प्रोटेस्ट पोएट्री से कुछ इनकम अगर ना भी हो तो मैं इन दोनों के सहारे में, इन दोनों के करियर के सहारे मैं प्रोटेस्ट पोएट्री को सस्टेन कर सकता हूँ। सो द बेस्ट थिंग आई वुड से, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। या सो द बेस्ट थिंग आई वुड से कि एक बैकअप करियर का ऑप्शन रखो, बिकॉज अभी ये मार्केट सिनेरियो है कि प्रोटेस्ट पोएट्री में आपको पैसे ज्यादा मिलने वाले हैं, आपको रिकग्निशन मिल सकता है, रिकग्निशन से आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं, बट ट्रूली स्पीकिंग प्रोटेस्ट पोएट्री से आपसे मतलब आपको प्रोटेस्ट पोएट्री से पैसे नहीं मिलेंगे। और आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ क्योंकि मैंने हसन में जो भी गाने किए हैं प्रोटेस्ट पोएट्री थे, उसको नेशनल रिकग्निशन मिला बोल के अगर मेरे को अभी बुला सकते हैं कोई क्लब शोज में कि यार वो वाला मुझे अग्निपथ सुना है, मुझे अकेला चलो रे, क्योंकि मैंने वो टीवी पे देखा था, इसलिए वो क्लब शोज में बुला सकते हैं या फिर कॉन्सर्ट्स में बुला सकते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन इट्स वेरी रेयरली
that people want to call कि यार एक क्लब शो में या फिर कॉन्सर्ट में किसी को ये मतलब जिसका प्रोटेस्ट पोएट्री का ही पूरा बैकग्राउंड बहुत कम ऐसे तो मेरे ख्याल से सी इफ यू कैन गेट अ नेशनल मीडिया ब्रेक थ्रू समवेयर लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने हसल में किया था और जैसे अंडरग्राउंड थर्टी के साथ में मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट में मेरी जर्नी रही थी तो अ नेशनल मीडिया यू नो ब्रेक थ्रू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आर्टिस्ट एंड डीमोटिवेटेड कभी मत हो यार डीमोटिवेटेड मतलब वो होना इज लाइक गिविंग अप लाइक मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी थे जो म्यूजिक में बहुत पैशनेट थे एंड मेरे खुद के बैंडमेट्स भी जब मैंने पहले बैंड बनाया था वो भी छोड़ दिया सब लोगों ने छोड़ दिया एंड दे आर रिग्रेटिंग द फैक्ट दैट दे लेफ्ट म्यूजिक सब अभी 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ देम आर सुपर डुपर रिच बट दे गिव मी अ कॉल एंड दे से राइट कि तेरे लिए मुझे बहुत रिस्पेक्ट है बिकॉज यू हैव स्टक ऑन टू योर पैशन आई होप इवन आई कुड डू म्यूजिक एंड मैं जब देखता हूँ कि मेरे दोस्त लोगों की यार वो गिटार पड़ा हुआ है एंड उनको टाइम नहीं मिलता बट स्टिल दे वांट टू प्ले द गिटार नाउ वो दर्द मुझे दिखता है और मुझे वो रिग्रेट कभी नहीं चाहिए तो इसलिए मैं सारी जिंदगी भर के मैं म्यूजिक करता ही रहूंगा चाहे मुझे पैसे आए या ना आए आपको मेरा एक आपको रिस्पेक्ट करने का रीजन यही है क्योंकि आपने जिन फ्रेंड्स के बारे में बात करी ना मैं वो फ्रेंड हूँ ठीक है सो आई यूज टू प्ले गिटार इन रॉक बैंड्स है ना लेकिन जब मुझे दिखा कि हाँ मुझे दिखा यार इससे जिंदगी नहीं चल पा रही है मेरी तो मैं बहुत डिमोटिवेट हुआ मैंने छोड़ दिया बट अब मुझे लगता मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था राइट बिकॉज उसका कोई बट आप आर्ट्स में घुस गए थे आप अभी भी म्यूजिक से जुड़े थे अभी भी सम वे यही रीजन था क्योंकि जब लगा ना कि यार मैं तो म्यूजिक के लिए आया था मैं कहाँ कॉर्पोरेट में घुस गया तो मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आपने कहा था कि मेरे घर वाले मुझे पोर्ट्रे करते हैं कि जैसे कि मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ या तो मेरा वो है माइलस्टोन है कि मैं उससे भागता हूँ कि मेरे को कभी मैं जितना उससे दूर हूँ मैं उतना ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा हूँ लाइफ तो वो बहुत ही That is my biggest advice to all the young musicians. Sirf protest sports ke liye bhi nahin, young musicians ke liye bhi, young rappers ke liye bhi, because Indian hip hop is booming aur aapko ye manna padega ki aaj matlab 5 saal pehle jo competition tha ya fir 2 saal pehle bhi jo competition tha abhi it's gonna triple the amount. Abhi ek breakthrough milna bahut hi mushkil hoga. Bahut mushkil hai. Aur and aapko wo individuality hi bata sakta hai. Agar aapki sound mein matlab कोई एरा गैरा रैपर या फिर अ रैपर हु इज कॉपिंग द फ्लोज ऑफ द वेस्ट या फिर अ रैपर हु साउंड्स लाइक अ डीएचएच रैपर वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको कंपेयर करेंगे यार तू रफ्तार के जैसे साउंड कर रहा है तू कृष्णा का जैसे साउंड कर रहा है तू कर्मा के जैसे साउंड कर रहा है कुछ नया कच करके दे सो दैट इंडिविजुअलिटी विल ओनली हेल्प यू कि यार तेरे जैसा और कोई नहीं तो द ओनली थिंग इज दैट कि ऐसे बनो कुछ भी करो इवन इफ यू आर बैड Make sure that there is no one who can. Nobody is. Yeah, yeah. नहीं ये success का बिल्कुल सही बताया. Like बिल्कुल सही बोला. There is nobody is close to you in whatever you are doing. तुम जित अगर इतने गंदे हो कि कोई इतना गंदा हो ही नहीं सकता तब भी तुम successful हो. So it all depends. Like where do you want to see yourself, right? कि मैं किस category में आता हूँ भाई. अच्छा अब जरा album के बारे में सबसे important चीज़ आपकी पूछ रहा हूँ कि collabs. कोलैब्स कौन से आने वाले हैं नहीं आने वाले बहुत इंटरेस्टिंग कोलैब्स आने वाले हैं द पीपल हुम आई वर्क्ड विद आल्सो यूनिक पोएट के साथ एक कोलैब फिर से अभी मेरे एल्बम के लिए यूनिक पोएट के साथ कोलैब आने वाला क्या बात है एल फ्रेश के साथ कोलैब आने वाला है श्लोका के साथ और एक कोलैब आने वाला सो द नेक्स्ट सो द जो मैंने 6 ट्रैक निकाले आफ्टर दैट इट्स गोना बी अ हेवी कंप्लीट हेवी सेट इट्स गोना बी अ कंप्लीट हेवी सेट And it's gonna be experimenting with a lot of things. Like probably the next song that I'm gonna do is a drop. It's gonna be having a taste of Bengali folk. Wow. And it's gonna be lo-fi. And again, it's gonna bring a non-political side of me. So बहुत सारे collabs होने वाले हैं, बहुत सारे मेरे दोस्तों के साथ बहुत सारे collabs होने वाले हैं. And yes, I'm really excited for it. Man. I'm really excited. You know what, मैं seriously EPR, मैं romantic EPR को lo-fi पे सुनना चाहूंगा लाइक बहुत मजा आएगा बहुत ही next level song होगा लाइक मैं imagine कर रहा हूँ ना EPR on a lo-fi song like a sad lo-fi song is like oh man भाई ये तो रुला देगा यार एकदम I'll try my best man
And the next track that I'm going to drop is, it's not going to come out of my channel, but it's with a electronic duo called Zephyr Tone. Okay. ये एक Indian electronic duo है, बहुत ही प्यारा electronic duo है, but it's comprised of two members, Zephyr and Tone. Okay. They got like amazing good songs. They have played in like festivals, like big festivals like Sunburn and everything. Oh, okay. तो उन लोग के साथ मेरा connection हुआ and the because that's a completely different song because I have never done tracks. I mean, like a rap on such a beat like that. So ये and that also with I've tried Urdu poetry on it. Oh, so that wow. is also a very new site. So imagine an EPR verse with no English word into it. So that's the verse I'm gonna get. Wow. Absolutely wow. no English word. No wow. English word into it. नहीं, so that's the next track. बहुत अच्छा ये कब तक आ सकता है? When can we expect this one? This month. Oh, wow. Nice. Super duper excited, man. Because as you were saying, electronic duo है, बहुत ही different beat produce करेगा. और उसको उसको how will you tackle that beat, वो देखने में बड़ा मजा आएगा. मुझे बहुत परेशानी हुई थी फिर भी आई पुट इट आउट समहाउ बट लेट्स सी इट्स अप टू यू गाइस टू सी एंड रिएक्ट टू इट आई होपफुली हैव यू सी रिएक्ट टू इट एंड जस्ट गिव मी टिप्स ऑन हाउ टू यू नो इंप्रूव इट फर्दर यू नो व्हाट देयर आर वेरी फ्यू रैपर्स जिनके रिएक्शन में डर लगता है एंड यू आर द लाइक द बिगेस्ट एग्जांपल राइट नाउ कि जिसका गाना आता है ना आई एम लाइक भाई नहीं हो सकता यार नहीं हो सकता रास्ता फाराई जब मैंने सुना था रास्ता फाराई के ऊपर जब आपका फर्स्ट लाइन आया था यार ये क्या कीड़ो कहाँ से आ गया यार यहाँ पे मतलब हाँ मैं supposed to take this पूरा जो चल रहा है like but हाँ ठीक है that is the part about you that is your thing man जो आपको सबसे ज़्यादा like unique बताता बनाता है इसीलिए EPR को सुनना सबके लिए cool है अब but let's see man I hope people just don't listen to me just because it's the cool thing I really want मैं चाहूँगा अपने दर्शकों से या फिर my listeners से मैं बोलना चाहूँगा कि अगर if you believe in what I do if you believe in my poetry if you believe in my music just listen to me like even अगर मुझे सिर्फ 10 भी listeners होंगे ना अगर वो 10 listeners मेरे music को full दिल से सुनेंगे ना तो I will be really happy Because I do not want a person coming up to me and say that, bro, I'm your biggest fan, and then be like, okay, please sing Urvashi for me, please. नहीं यार actually बता है जैसे आपने बोला ना कि ऐसा होता नहीं है because आपका जो music है ना यार उसका commercial टच इतना ज्यादा है कि आपके म्यूजिक की वजह से पीपल आर गेटिंग टू नो कि अच्छा कुछ प्रोटेस्ट पोएट्री होता है क्या है ना ये क्या चीज होता है यार इसमें क्या बात होती है लाइक नहीं आई एम सीरियसली टेलिंग यू जैसे कल मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठ के सुन रहा था मैंने कहा यार मेरे को EPR का सेशन करना है मेरे को उनके गाने फिर से एक बार सुनने होंगे तो है ना ठीक है चलो बैठ जाते हैं हम दोनों बैठ के सुनने लगे ही इज ऑल्सो अ रॉक लवर सब कुछ और फिर वो सुनते हर गाने बोले यार कितना बढ़िया बनाया है यार ये कितना बढ़िया अरे ममता जी की आवाज यूज कर दी कोरस में यार ये क्या है वो फिर धीमे धीमे ही वाज लाइक फिर जब उसको अलग अलग गाने सुनाए देन ही गॉट इंटरेस्टेड इनटू प्रोटेस्ट पोएट्री अच्छा भाई ऐसा भी लिखते हैं लोग DHH में मैंने कहा हाँ भाई लिखते हैं यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर दोस काइंड ऑफ आर्टिस्ट सो इट्स बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू जिनकी वजह से प्रोटेस्ट पोएट्री मासेस तक जा रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है थैंक यू सो मच मुझे लगता है कि लाइक मुझे अभी बहुत मुझे बहुत मतलब एक्साइटमेंट मेरी भी बढ़ रही है क्योंकि आपने मुझे 3 गाने सुनाए एंड वो जो गाने मुझे मालूम नहीं था कि लाइक राइट नाउ की DHH में कितने प्रोटेस्ट पोएट्स हैं बिकॉज मैं बहुत ही कम सोशल मीडिया पे आता हूँ जब भी आता हूँ मैं जिस अपने काम के लिए आता हूँ फिर चला जाता हूँ तो थैंक यू सो मच टू यू नो फॉर इंट्रोड्यूसिंग ये 3 आर्टिस्ट बिकॉज आई विल कीप ऑन लिसनिंग टू देम एंड आई विल सी कि वो क्या कर रहे हैं एंड थैंक यू सो मच मैन थैंक यू सो मच एंड आई होप प्रोटेस्ट पोएट्री सिर्फ एक कूल टर्म ना रह जाए और एक मूवमेंट बने एंड आई वॉन्ट ऑल द प्रोटेस्ट पोएट्स टू एक्चुअली क्वेश्चन द रॉन्ग डूइंग्स एंड सही आवाज उठाए नहीं EPR यू नो व्हाट हम लोग जैसे यहाँ पे लॉकडाउन रेडियो पर गाने सुनते रहते हैं चार्ट्स के थ्रू गाने जो भी गाने सजेस्ट होते हैं वो सुनते हैं
मुझे आप ये सोचो कि मैं जब EPR का ये हुआ कि EPR मेरे शो पे लाइक व्हेन वी टॉक की ऐसा हम कुछ कर सकते हैं, तो मेरे को लगा यार कि इतने सारे प्रोटेस्ट पोएटिक रैपर्स हैं हमारे पास EPR है, लाइक द गाय हु इज डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 7-8 इयर्स नाउ. तो अगर EPR यहाँ पे आएगा तो कितना मजा आएगा. एंड ट्रस्ट मी बहुत सारे प्रोटेस्ट रैपर्स हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट पोएट्स हैं, बस बात ये कि उनका म्यूजिक आगे आ ही नहीं पाता, पहुंच ही नहीं पाता लोगों तक. बट आप उसको ट्राई कर रहे हैं, तो जस्ट गिव मी, अगर अगर जो भी आपको सेशन लगता है कि ये अच्छे हैं, जस्ट पास इट डाउन टू मी, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू प्रमोट इट. एंड ओनली पीपल, द पीपल हु आर एस्टैब्लिश्ड ओनली कैन, दे कैन हेल्प ग्रो दिस सीन. तो हमें लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब लोगों के ऊपर है, जिनको थोड़ा बहुत भी फेम मिला है या फिर थोड़ा बहुत भी रिकॉग्निशन मिला है, कि हम लोग इन कम्युनिटी को उठा सकते हैं. That's something that we need to give it back to hip hop, because hip hop ने हमें सब कुछ दिया है. And I want to do that. अगर आपको लगता है कि वो ये these people are this thing, so do let me know, man. ठीक है, definitely. जहाँ भी मुझे लगेगा कि अगर कोई चीज वर्दी है, इसको push मिलना ही मिलना चाहिए protest poetry में, तो then I'll reach out to you. एकदम bro, anytime for you. ठीक है EPR, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. और जाते जाते जनता को अपनी तरफ से कुछ भी बोल दो आप, व्हाटएवर यू वांट टू से. जनता को यार मैं तीन वर्ड में हर जगह बोलता रहता हूँ, इंस्पायर, लीड, रेवोल्यूशनाइज. वाह, बस ये. एंड ऑलवेज कि आप म्यूजिक भी बना रहे हो तो राइट और मेक म्यूजिक टू एक्सप्रेस, नॉट टू इम्प्रेस. बिकॉज आप इम्प्रेस करने के पीछे भागोगे तो यू विल नॉट बी योरसेल्फ. जस्ट एक्सप्रेस, बाकी फेम, पैसे, बाकी सब आते रहेंगे. मतलब इट विल कीप ऑन कमिंग. और अब थोड़ा मेरे मतलब की बात कर दो, प्लीज अपने फैंस को बोल दो कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें. ऑलराइट, दिस इज फॉर ऑल माय फैंस एंड ऑल माय पीपल हु लव माय म्यूजिक. Subscribe to my brother from another mother, a different grandfather, a different grandmother. As far as I know, subscribe to his YouTube channel. Right? I want all the people from my community subscribe to his YouTube channel. Show him love and show him your support, because he is doing a lot for the hip hop scene. उसने मुझे तीन नए protest poetry protest poet artists से मुझे मिलाया आज. And I'm really abhari for that. Thank you so much, man. Do subscribe to his channel. Thank you, man. और EBR के नए गाने ड्रॉप होने वाले हैं. प्लीज सुनते रहो, फैलाते रहो. ठीक है, इफ यू थिंक कि इनका म्यूजिक सेंस बनाता है, विच आई डेफिनेटली मेक्स थिंक सो, तो प्लीज EBR के गानों को और स्प्रेड करो यार. ऐसे गानों को स्प्रेड करना है, ठीक है, ऐसे म्यूजिक को स्प्रेड होना ही हो रहा है, हम नहीं रुकने देंगे. ठीक है, ओके EBR, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सो मच ब्रो. बाय. सी यू. एब्सोल्युटली. बाय. सी यू. पीस आउट.